हाँ जी, आज का जो रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा एकदम पेट्रियाटिक रिव्यू है, क्योंकि आज की जो दोनों गाड़ियाँ हैं वो हैं दोनों गाड़ियाँ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की, टाटा मोटर्स और महिंद्रा। बहुत सालों से जमे हुए हैं भारतीय कार बाजार में, और इन दोनों की कॉम्पैक्ट एसयूवीज नेक्सॉन और XUV300 है एकदम सेम सेगमेंट में, सेम प्राइस पॉइंट पर, और टक्कर लेती हैं एक दूसरे से। तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी तो आप एक ही लेंगे, विच वन इज़ बेटर एंड विच वन मेक्स मोर सेंस फॉर यू, इस सवाल का जवाब मैं आज आपको दूंगा इस वीडियो रिव्यू में। वैसे बाहर से देखने में दोनों काफ़ी स्टाइलिश हैं, आप मुझे बताइए आपको कौन सी अच्छी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर। और बात करें क्योंकि हम स्टाइल की, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल है आशीष मसी 1, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर आप मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स सोचेंगे कि मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गया हूँ, पर ऐसी गाड़ियाँ मुझे जल्द से जल्द भेजेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहली बात जो है वो ये है, इस गाड़ी का जो ओवरऑल कैबिन का एम्बियंस है, जो फील है, वो नेक्सॉन से आगे है। इसमें आपको हल्की फैब्रिक मिलती है, उतनी डार्क नहीं मिलती थी नेक्सॉन में आती है, तो इट फील्स मोर लग्जूरियस, मोर अप मार्केट, एंड क्वालिटी दोनों की भले बराबरी हो, लेकिन फीचर्स के मामले में भी ये गाड़ी आगे है। इसमें आपको मिलता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, विच इज़ अ वेरी थॉटफुल टच, क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ के साथ लंबे सफ़र पर निकलते हैं और वो आपसे आर्ग्यूमेंट करती है ऐसी कम करो या ऐसी ज़्यादा करो या जो भी, तो आप कह सकते हैं आप अपनी साइड का अपने आप सेट कर लीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। इट्स डुअल जोन, मतलब दोनों तरफ अलग अलग टेम्परेचर सेट हो सकता है एसी के लिए। बहुत यूनिक फीचर है, बहुत महंगी गाड़ी में मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलता है सीट बेल्ट वार्निंग सारे पैसेंजर्स के लिए, 500 पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा है जिससे कि आप स्टेयरिंग व्हील का वजन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटर भी आपको मिलता है। तो फीचर्स के मामले में ये गाड़ी नेक्सॉन से आगे है। ओवरऑल फील गुड फैक्टर भी इसका ज़्यादा अच्छा है, यूटिलिटी प्लेसेस ज़्यादा इसमें मिलते हैं। यहाँ पर एक बड़ी ट्रे है, ग्लव बॉक्स इसका ज़्यादा डीप है उस गाड़ी से, और दरवाज़ों में भी आप दो बॉटल्स रख सकते हैं। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात ये दैट आप जब इस गाड़ी में बैठेंगे तो आप कहेंगे वाओ व्हाट अ नाइस कैबिन। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ अब नेक्सॉन के कैबिन के अंदर, और सबसे अच्छी बात जो आपकी इसकी लगेगी वो है ये बहुत ही सॉलिड और रीअश्योरिंग थर्ड है। 5-स्टार यूरो एनकैप रेटिंग आती है इस गाड़ी की, और ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और वेल मेड कैबिन है ये। हाँ, अगर मुझे एक बात इसकी पसंद नहीं आई तो वह इसका जो ब्लैक इंटीरियर है, ये थोड़ा सा आपको वैसे स्पोर्टी तो लगता है देखने में, लेकिन लंबे सफ़र पर क्लॉस्ट्रोफोबिक लग लगेगा, खासतौर पर अगर आप कंपेयर करें उस गाड़ी के साथ, क्योंकि XUV300 का कैबिन बहुत खुला खुला लगता है क्योंकि उसमें हल्की फैब्रिक लगाई है। सीट कम्फर्ट की बात करें तो ये गाड़ी थोड़ी सी आगे, बहुत मेजर गैप नहीं है लेकिन थोड़ी सी आगे, कुछ नहीं इस गाड़ी की बेहतर है उस गाड़ी से। और अगर बात करें ओवरऑल यूटिलिटी प्लेसेस की तो लगभग बराबरी पर ही हैं दोनों गाड़ियाँ। ओवरऑल मैं दूंगा इस कैबिन को 8-10 में से, और मैं दूंगा XUV के कैबिन को 8.5, आधा पॉइंट ज़्यादा इसलिए दूंगा क्योंकि उसका कैबिन थोड़ा खुला हुआ और थोड़ा सा ज़्यादा एयरी लगता है। चलिए पीछे देखते हैं और देखते हैं बैक सीट में कितना कम्फर्ट है। हाँ जी, तो बैक सीट की अगर बात करें तो लेग रूम और हेड रूम लगभग बराबर ही है दोनों गाड़ियों के अंदर, लेकिन XUV300 के अंदर यहाँ पर AC वेंट्स नहीं आते हैं जो कि आपको नेक्सॉन में मिलेंगे, और सीट्स चौड़ाई में अच्छी हैं और बैठने भी आरामदायक हैं। तो ओवरऑल जो मैं कहने की कोशिश करूँगा ये कि कम्फर्ट और ओवरऑल स्पेस के मामले दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबरी पर हैं, लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि ये बेज फैब्रिक आता है तो इसकी वजह से इसका कैबिन थोड़ा सा खुला हुआ लगता है और थोड़ा सा ब्राइटर लगता है उस गाड़ी से। स्कोर अगर देना हो तो मैं दूंगा इसको 8.5-10 में से, इट्स अ गुड कैबिन एंड नाइस प्लेस टू बी इन। अगर हम बात करें पीछे की सीट्स की, तो पीछे की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सीट्स में जो गद्दे हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं XUV300 से, मुलायम सीट्स भी हैं ये, और इनका बैकरेस्ट एंगल भी थोड़ा सा बेटर लगा मुझे। अगर स्पेस की बात करें तो लगभग बराबरी पर ही है स्पेस, नी रूम और हेड रूम लगभग बराबरी पर है। एक अच्छी बात इस गाड़ी की है कि पीछे आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, लेकिन दो नेगेटिव बातें भी हैं। पहली नेगेटिव बात है कि शीशा पूरा नीचे नहीं जाता है, और दूसरी बात यह है कि ये जो इसका सी पिलर है ये बहुत बड़ा और बहुत मोटा है, तो इससे गाड़ी के अंदर काफ़ी डार्कनेस बनी रहती है। अगर आप लंबे सफ़र पर निकलेंगे तो आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक इस गाड़ी में ज़रूर लगेगा। तो आई थिंक आई विल गिव दिस का बैक सीट अ डिसेंट स्कोर ऑफ 8/10, लेकिन उसको मैं दूंगा आधा पॉइंट ज़्यादा, 8.5 का। अब देखते हैं बूट किस गाड़ी का बड़ा है। अगर हम बात करें बूट की XUV300 की, तो ये सबसे इसका वीकेस्ट लिंक है पूरी गाड़ी में। तो ये बूट जैसा आप देख सकते हैं बहुत छोटा है, इनफैक्ट ये एक हैचबैक साइज़ का बूट लगेगा आपको, कॉम्पैक्ट एसयूवी साइज का बूट नहीं लगेगा। सो दैट्स द ओनली डिसअपॉइंटमेंट अबाउट दिस कार, एंड मैं और क्या बोलूँ, इट इज़ अ स्मॉल बूट, मैं दूंगा सिर्फ 7-10 में। अगर
अगर हम बात करें बूट की, तो इसमें कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है, ये गाड़ी आराम से हाथ नीचे करके जीत जाती है। इसको हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका बूट बड़ा है, बेहतर शेप का है। थोड़ा सा लोडिंग से ज़रूर है बट आप उससे आराम से माफ़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सामान ज़्यादा आ जाएगा। इसको मैं दूंगा 9-10 में से और XUV300 को सिर्फ 7 मिलेगा। हाँ जी, तो हम बात करें अगर XUV300 की, तो आज हम बात करेंगे डीजल्स की। दोनों में ऐसे पेट्रोल भी आते हैं लेकिन डीजल्स पे फोकस करते हैं। रिफाइनमेंट के मामले में दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट बराबरी पर हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिवनेस का मामला है वो मेरे को XUV300 में बेहतर लगा नेक्सॉन के मुकाबले। ये गाड़ी करीब 1500-1600 RPM के आसपास आके अलर्ट हो जाती है और रिस्पॉन्सिवनेस भी इसकी आ जाती है। यानी अगर आप गाड़ी शहर में ज़्यादा चलाते हैं तो यू प्रेफर ड्राइविंग दिस वन। Why you'll also prefer this one is because का जो स्टेयरिंग व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है कम्पेयर टू द नेक्सॉन। और ये अच्छी बात है क्योंकि अगर आप शहर में गाड़ी चलाते हैं, आप थकना नहीं चाहते, आप दिन भर गाड़ी चलाएंगे ट्रैफिक में, तो आपको बार बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, लेन चेंज करनी पड़ेगी, तो दैट विल बी अ वेरी टायरिंग थिंग फॉर यू। तो उस मामले में भी गाड़ी अच्छी है। इसके गेयरबॉक्स भी हल्का है और क्लच डेफिनेटली उस गाड़ी से ज़्यादा हल्का है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये, दिस इज अ बेटर कार फॉर ड्राइविंग इन द सिटी। अगर आप लेकिन चाहते हैं कि गाड़ी के अंदर थोड़ा फील और आए और स्टेयरिंग व्हील को थोड़ा और फील दे, तो यहाँ जो बटन लगा हुआ है इसको आप दबा सकते हैं और कम्फर्ट सेटिंग से हटाकर स्टेयरिंग को आप डाल सकते हैं नॉर्मल मोड में, थोड़ा भारी हो जाएगा। उससे भारी करना तो आप डाल सकते हैं स्पोर्ट मोड में और ये और ज़्यादा भारी हो जाएगा और आपको ज़्यादा फील देगा, ये रोड की ज़्यादा फील सम हो जाएगा। तो अगर आप अपने आप को कीन ड्राइवर, शौकिया ड्राइवर कहते हैं, तो दिस इज़ द सेटिंग फॉर यू। क्लच और गेयरबॉक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। क्लच जैसे मैंने कहा लाइट है, गेयरबॉक्स का थ्रो एक्यूरेट है, 6-speed गेयरबॉक्स है ये, जिसका मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंजन की हाईवे पर काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप 100 पे चला रहे हैं तो RPM इसका 1700-1800 RPM के आसपास होगा, जिससे कि कैबिन के अंदर ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगी। तो इट्स अ गुड कार फॉर ड्राइविंग ऑन दोज स्पीड्स बिकॉज इट गेट्स एन एक्स्ट्रा 6 गियर। हाँ, अगर हम बात करें ओवरऑल स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी इसकी ठीक है हाईवे पर, लेकिन नेक्सॉन की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है इस गाड़ी से, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दोनों ही गाड़ियों में से अगर आप कोई भी पहाड़ों पर ले आएंगे और ऐसे ऐसे कॉर्नर्स में डालेंगे, तो दोनों में ही हल्का हल्का बॉडी रोल है। आप दोनों में से किसी को भी ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि ड्राइवर्स कार है, लेकिन ओवरऑल ईज ऑफ ड्राइविंग एज वेल एज विजिबिलिटी, आई थिंक दिस वन इज द बेटर कार एंड अ बेटर कार फॉर ड्राइविंग द सिटी। एक और चीज़ इसमें गाड़ी आगे नेक्सॉन से, ओवरऑल विजिबिलिटी। इस गाड़ी के जो शीशे वो बड़े हैं, ए पिलर ज़्यादा मोटा नहीं है, ये पीछे का शीशा भी बड़ा है और इसके जो सी पिलर, जो लास्ट वाला पिलर है, वो भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, तो आप गाड़ी के अंदर आराम से आजू बाजू देख सकते हैं। ये एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए शहर में चलाते हैं और पार्किंग में इनको टाइट स्पेस ढूंढते हैं अपनी बिल्डिंग के नीचे, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर कार ओवरऑल, जो मैं कह रही हूँ वो बात ये है, इट्स अ बेटर कार फॉर पीपल हु ड्राइव प्राइवेटली इन द सिटी। हाँ जी, तो अगर हम बात करें नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन में भी आपको 1500 cc का ही इंजन मिलेगा डीजल में। अगर डिफरेंस दिखेगा तो वो दिखेगा आपको इसकी थोड़ी सी जो RPM है इसका, वो टाइम लेता है गाड़ी को अलर्ट बनाने में, तो 2000 RPM के बाद ही ये अच्छे से अलर्ट होती है गाड़ी। तो शहर में जो लोग चलाते हैं वो प्रेफर करेंगे उस गाड़ी को, लेकिन इट्स अ वेरी नाइस कार फॉर कम्फर्ट। इसका जो राइड कम्फर्ट है ये बहुत ही अच्छा है, ये इनफैक्ट ना सिर्फ XUV300 से ज़्यादा अच्छा है, ये बेहतर है हर गाड़ी से इस सेगमेंट में। दिस इज द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कम्फर्ट, क्योंकि सीट्स भी अच्छी है और सस्पेंशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। एक और बात जो आपको अच्छी लगेगी वो है इसका स्टेयरिंग व्हील के अंदर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है। ना ये बहुत ज़्यादा हल्का है, ना ही ये बहुत ज़्यादा भारी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे इस गाड़ी को चला के, और ऐसा भी नहीं है कि आपको लगेगा कि यार फील सम नहीं है। फीडबैक फील अच्छा है और साथ ही साथ इसका जैसे मैंने कहा कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा है स्टेयरिंग व्हील में। एक्यूरेसी के मामले में ये ठीक ठाक है, हाँ, लेकिन उस गाड़ी से डेफिनेटली ये भारी है। तो जो लोग शहर में ज़्यादा चलाते हैं गाड़ी, वो लोग कह सकते हैं कि यार काश इसका स्टेयरिंग थोड़ा हल्का होता, लेकिन मुझे इसका जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन हाईवे यूज़ एंड सिटी यूज़, इट्स वेरी गुड। अगर हम बात करें इंजन के रिफाइनमेंट की, तो इट इज़ प्रीटी रिफाइंड। इट्स ओनली व्हेन यू रियली रेव इट हार्ड, जब 3000-3500 RPM के ऊपर गाड़ी को ले जाएंगे तब थोड़ा बहुत हो सकता है शोर करें, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मोस्ट बायर्स डोंट ड्राइव लाइक दैट। ऐसे पागलों की तरह लोग गाड़ी चलाते नहीं है, नॉर्मली लोग शिफ्ट कर लेते हैं 2000-2500 RPM तक। तो उस पावर बैंड में ये काफ़ी अच्छा देता है आपको शांति और रिफाइनमेंट गाड़ी के अंदर। कैबिन की जो आइसोलेशन है ये बेहतर है उस गाड़ी से। रिफाइनमेंट वैसे अपने आप में ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल नॉइजेज़ हैं इस गाड़ी के अंदर कम आती है, ना विंड नॉइज़ आएगी, ना टायर नॉइज़ आएगी, और कोई और ऐसा शोर शराब आएगा नहीं। इनफैक्ट कोई बाइकर अगर आपके साइड में आके खड़ा हो जाए और अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा फ़ोन पे, या दोनों में लड़ाई हो रही होगी, तो आप उसको ठीक से सुन नहीं पाएंगे, चाहे आप कार भी पास लगा लें, आवाज़ आएगी लेकिन बहुत हल्की। जब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात ये कि इसकी जो कैबिन आइसोलेशन है
that's much better than the XUV, and you feel better cocooned inside the cabin of this car. अगर आप गेयरबॉक्स की बात करें तो गेयरबॉक्स दोनों में ही मैनुअल और ऑटोमेटिक आते हैं. इसका जो गेयरबॉक्स है वो थोड़ा सा हैवी लगता है यूज़ करने में कंपेयर टू द एक्सयूवी. क्लच भी थोड़ा सा इसका ज़्यादा भारी है उस गाड़ी से. तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात बेसिकली ये है कि इसके कंट्रोल्स थोड़े से भारी हैं. एक्सयूवी से अच्छी बात भी है क्योंकि कुछ लोगों को पसंद है ऐसा स्टाइल, लेकिन जो लोग शहर में ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं वो प्रेफर करेंगे एक्सयूवी को. हाईवे के लिए ये गाड़ी बेहतरीन है. स्टेयरिंग व्हील का फीडबैक अच्छा है, एक्यूरेट स्टेयरिंग व्हील है, कम्फर्टेबल गाड़ी है, और जैसा मैंने कहा रिफाइनमेंट के मामले और कैबिन आइसोलेशन के मामले में इट्स द अल्टीमेट कॉम्पैक्ट एसयूवी. अगर आप XUV300 के अंदर स्टेयरिंग को भारी कर सकते हैं, वैसे ही आप इंजन की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं इस गाड़ी में स्पोर्ट मोड, सिटी मोड और इको मोड के बीच चूज़ करके. स्पोर्ट मोड बेसिकली क्या होता है, जो इंजन की ओवरऑल अग्रेसिवनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ा सा लगता है पावर ज़्यादा जल्दी आ रही है और थोड़ा सा इंजन का रिस्पॉन्सिवनेस अलर्ट हो जाता है. स्टेयरिंग व्हील तो वैसा ही रहता है, ना भारी ना हल्का, ज़्यादा होता है ये, लेकिन इंजन जो है वो लगता है कि थोड़ा सा नीचे उठ गया है, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आपको रिस्पॉन्स दे रहा है. ये फंक्शन बाकी वर्क करता है, इसके बाद जस्ट कि भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बटन लगा दिया है यहाँ पे टाटा ने, ये काम करता है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंस है और आपको दिखेगा और आप कहेंगे कि हाँ गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव होगी. लेकिन हम वापस जा देते हैं इसको सिटी मोड में ताकि तेल कम पिए गाड़ी और हमें ज़्यादा डीजल ना भरवाना पड़े. अगर हम बात करें आज के कंपैरिजन की, तो अगर आप शहर में गाड़ी चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो XUV300 आपके लिए बनी है. इसका स्टेयरिंग भी ज़्यादा लाइट है, इसका क्लच गेयरबॉक्स ज़्यादा लाइट है, इसका जो कैबिन है वो खुला खुला सा फीचर लोडेड है और ये गाड़ी शहर के हिसाब से ज़्यादा अच्छी है. नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसकी डिक्की काफ़ी छोटी है, तो हाईवे के सफ़र पर आप सामान इतना ज़्यादा नहीं रख पाएंगे. इस गाड़ी की डिक्की बड़ी है, इसका राइड कम्फर्ट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इस गाड़ी से और ये सॉलिड भी ज़्यादा लगती है. हाईवे के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है, सिटी के लिए बेटर ऑप्शन ये है. तो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट, यू वांट अ सिटी का और हाईवे का. ओवरऑल बोथ दिस कार्स आर इक्वली गुड इन देयर ओन डिपार्टमेंट्स एंड यू कांट गो रॉन्ग विद ईदर वन ऑफ देम. इन दोनों को ही मैं दूंगा एक्स्ट्रा स्कोर 90 का, 100 में से इट्स अ टाई ऑन द टुडेज कंपैरिजन एंड आई एम श्योर दैट यू विल एग्री विद माय वर्डिक्ट. बाय फॉर नाउ एंड होप टू सी यू सून.